हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो लास्ट फ्राइडे के दिन 5 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 2% के करीब की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां पर पीछे के 1 हफ्ते भी से स्टॉक में 9% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है और 1 महीने में से स्टॉक में 27% की गिरावट देखने को मिली है। तो लगातार इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल पर, जैसा कि आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक हाई बनता हुआ नजर आया। नीचे में शॉर्ट टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक हाई बना है अराउंड 4 रुपए 70 पैसे, 4 रुपए 15 पैसे का इस स्टॉक ने हाई लगाने के बाद ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक बड़ा दबाव देखने को मिल रहेगा, जहां पर अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप नीचे के एक स्टॉप लॉस ट्रेड करके चलना चाहिए। अराउंड शॉर्ट टर्म के लिए अराउंड 2 रुपए 35 पैसे की छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 3 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो अराउंड 2 रुपए का एक बड़ा स्टॉप लॉस रखकर ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 4 रुपए तक के लिए आपको इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहा है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही स्टॉक को ट्रेड करें, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।